अरे ये तो कामयाबी है कि मुशरिक मक्का अबू तालिब अबू लहब अबू जहल बैठ के उनकी पार्लियामेंट जो हतीम थी वहां बैठकर मुसलमानों के खिलाफ में चर्चे करते थे, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारे बारे में चर्चे हो रहे हैं, गोया इस बात का सबूत है कि वकुल जाल हक वजहक बातिल इन्नल बातिल काना ज़ौका, हक आया है बातिल मिटाने और बातिल अपनी जुबानों से हक के चर्चे अपने ऐवानों में कर रहा है। रोड पे अगर तमाम मुसलमानों की उलमा इकराम इस बात पे इत्तेफाक कर ले, उतरना है हर मुसलमान को उतरना पड़ेगा। ये मायूसी में हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात को नहीं भूल सकते। कुरान मजीद सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल साथ फरमाया, उदो पुकारो जी तुम रब को पुकारो तो सही, मैं तुम्हारे जवाब देने वाला हूं तुम्हारी दुआओं का। और अल्लाह ऐसा ही नहीं है, अपने कलाम में झूठा नहीं है। सुभान अल्लाह, हमारा रब जब पुकारा गया बदर के मैदान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार भी सजदे में सर है, तेरा वादा था 1000 लश्कर भेजेगा फरिश्तों का, जिब्राइल को हुक्म होता है उस दस्तगीसो निकलो जिब्राइल अलैहि सलाम, लश्कर लेके फरिश्तों का सजदे में सर है, अबू बकर सामने है, सर उठाकर कहते हैं ये देख अबू बकर जिब्राइल आ रहा है अपने घोड़े की लगाम थामे हुए। फरिश्तों के लश्कर से अल्लाह ने मदद की, या रब तेरे फरिश्तों की मदद आसमानों से भेज दी। ये अमेंडमेंट्स होते जाएंगे, आप याद रखिए, ये बच्चे जो आज 6 से 10 साल 12 15 साल है इनके लिए तैयारी करना है। क्या तैयारी करोगे? इल्म है जो इनको संभाल के रखेगा, अमल है जो इनको संभाल के रखेगा, अकीदा नहीं मालूम, तौहीद नहीं मालूम, रिसालत नहीं मालूम, अल्लाह का दीन नहीं मालूम। अरे वो सीरिया के बच्चे मुबारक है, अल्लाह की रहमत उन पर जिनके घरों पर केमिकल बम गिरता है, माँ की गोद में बच्चा मर जाता लेकिन माँ की जुबान से अल्लाहु अकबर है। क्या ये बच्चे कल के दिन जो आगे बढ़ेंगे अगर इनके साथ कत्लेआम होगा अल्लाह महफूज रखे, क्या ईमान है इनका? तुम्हारी तैयारी नहीं है। अकीदा लफ्ज का माना नहीं मालूम हमको, तौहीद के कैटेगरीज नहीं मालूम हमको, इतने गाफिल कि तुम्हारी गफलतों के चर्चे सीएबी में हो चुके हैं। याद रखो ये सीएबी में दरअसल में मुसलमानों की गाफलतों का परवाना है, आप याद रखिए। कहा या रब्बी मेरी उम्मत के लोगों को एक झटके में कत्ल नहीं करना, अल्लाह ने कहा इस जमीन पर इस्लाम का एक दुश्मन क्या सारे दुश्मन भी मिल जाएंगे, तुम्हारी कौम को कभी कत्ल नहीं कर सकेंगे, खत्म नहीं कर सके, लेकिन याद रखो ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे। ये अल्लाह का कहना है अजीज दोस्तों, दिलों के मैल को साफ करो, इस्तेहाद भी लेकर आओ, इत्तेहाद लेकर आओ, इत्तेफाक लेकर आओ, मसलक के इख्तलाफात छोड़ो, मसलक के इख्तलाफात अल्लाह की कसम उसी वक्त दूर हो सकते हैं जब सहाबा के मनज पर इत्तेफाक हो जाए। मनज सलफ सालेहीन अहले सुन्ना वल जमात, सहाबा का तरीका अगर समझोगे तभी इत्तेफाक हो सकता। डिटेंशन सेंटर की अपनी औलाद को वसीयत करते मरना, मुसलमानों का डिटेंशन सेंटर हमारे कब्रस्तान है, याद रखो आप कब्रों में उतर जाएंगे लेकिन ईमान को नहीं बेचेंगे। अजीज दोस्तों ईमान का सौदा है, सीएबी बिल हमारे ईमान को जांचने के लिए आया है, अल्लाह हमारे ईमानों को मजबूत कर दे। और या रब्बी वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, ऐसी चाल चल या रब्बी सारे दोस्तों मुझका कुफार और मुशरिकीन की हर चाल को बेकाम कर दिए। वो ऐसी चाल अल्लाह की चली, वो सारे के सारे आज एहतजाज में उतर गए, अगर नहीं उतरा तो मुसलमान नहीं उतरा, जिनका नाम जबान पे लेना नहीं चाह रहे थे, अरुणाचल प्रदेश चल रहा, आसाम चल रहा, कौन कर रहे वहां मुसलमान कर रहे नहीं, जिन जिन के नाम तुम गिना रहे थे वो सब करते चले जा रहे, याद रखो। क्योंकि फितरत जो चीज है अल्लाह देकर भेजा, वो एक हिंदू के सीने में भी है, ईसाई के सीने में भी है, जैन के सीने में भी है, वही फितरत मुसलमान के सीने में है, मुसलमान कायम हो गए फितरत पर उसकी हिदायत से और कुछ भटक गए। हदीस दोस्तों मुल्क के दूसरे वासियों को अपने अखलाक से अबू तालिब तो बना लो या मुतीम बिन अदी तो बना लो। हदीस दोस्तों यही बातों को समझिए, आप आपका सामना आपको करना है, गफलत छोड़िए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, बिलखसूस अल्लाह के दीन से दूर मत होइए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरा।